My dear all, I am starting a poem, Wind, class 9th English, and it's very very interesting poem for you, and you can learn something from this poem also. And another thing that's very important for you, first you have to know about the poet. हम सबसे पहले poet के बारे में जान लेते हैं, then I will say about the poem. Okay, about the poet, you have to know, poet name is चिन्नास्वामी सुब्रमण्य भारती. He was born on 11 December 1882 and went 11 September 1921. And he was an Indian writer, journalist, Indian independence activist and social reformer from Tamil Nadu. अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये पोएट जो है तमिलनाडु से थे. तमिलनाडु स्टेट आपके इंडिया कंट्री के. ओके, ही वॉज पॉपुलरली नोन एज महाकवि भारतीय. महाकवि जो है कि हिंदी वर्ड है. ओके, एक्चुअली पोएट को आपको हिंदी में कवि बोलते हैं. महाकवि दैट मीन्स ग्रेट पोएट. ओके, एंड अ पॉइंटर ऑफ मॉडर्न तमिल पोएट्री. तमिल लैंग्वेज में भी उन्होंने बहुत सारे पोएट को राइट किया एंड अदर लैंग्वेज में भी. In fact, he was one of the greatest Tamil literary figures of all time, and his fiery songs kindled patriotism and nationalism during the Indian independence movement. जिस तरह से हमारे कंट्री का, इंडिया का इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया था, उस समय भी उनके द्वारा जो रिटर्न पोयम जो था वो बहुत ही बातें उस मूवमेंट के बारे में बताया. एंड तमिलनाडु के होकर भी उन्होंने अलग अलग लैंग्वेज में भी राइट किया, और उनका नाम, नेम एंड फेम नॉट ओनली इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, सिर्फ स्टेट ऑफ तमिलनाडु में नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में उन्हें लोग जानते हैं. भारती वॉज बैडली अफेक्टेड बाय द इम्प्रिजनमेंट, बट इन 1920 द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज on his movements were removed by a general amnesty order. However, he was struck by an elephant at Chennai, whom he used to feed daily. Okay, unki aadat thi elephant ko khilane ki, feed karne ki daily, and suddenly wo samay badal gaya. Although he survived for a few months, his health deteriorated to a great extent and dead. But we remember him as the poet's people's poet, not only poet. हम इसे सिर्फ poet के नाम से ही नहीं जाने, हम ये बोले कि ये people के poet थे तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि वो हर एक बातों को बहुत ही clearly compose करते थे, write करते थे and बताते थे. A great nationalist, outstanding freedom fighter and social visionary of the country. Okay, so you have known about the poet. आपने इस तरह से poet के बारे में जाना. Okay, now you have to know about the poem. What is central idea of the poem? First you have to know about the central idea of the poem. आखिर poem के थ्रू poet ने क्या बताना चाहा, हम सबको क्या message देना चाहा इस poet के थ्रू. Because poet name is विंड. विंड आपका पोएट का नेम है, आपके क्लास का. एंड विंड पोएम के थ्रू पोएट ने बताना चाहा, सुब्रमण्य भारती हैज एडवाइज्ड अस टू बी स्ट्रांग इन माइंड एंड बॉडी. द विंड विल बी आवर फ्रेंड व्हेन वी आर स्ट्रांग. लिसन केयरफुली इच एंड एवरी वर्ड्स. भारती एडवाइज्ड अस टू बी स्ट्रांग. हमें माइंड से भी एंड बॉडी से भी हमें स्ट्रांग बनना चाहिए, हमें स्ट्रांग होना चाहिए, इस तरह से एडवाइस किया था. द विंड विल बी आवर फ्रेंड. विंड जो है, जो हवा है, वो हमारी फ्रेंड बन सकेगी, यानी हमें हवा किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है. हवा जो है, विंड जो है, हमें पॉजिटिवली रिजल्ट दे सकता है. कब? When we are strong, जब हम सब strong है. Actually, the wind represents the difficulties and challenges
वी शुड इनकाउंटर देम बोल्डली। यहां बताया कि विंड हमें यह बताते रिप्रेजेंट करता है डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस के। सो इन योर लाइफ माई डियर ऑल वी आर फेसिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस। आप मैं हम सब अपने लाइफ में अलग अलग तरह की कई तरह के डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस हम सबको फेस करना पड़ता है। तो यहां विंड को डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस की जैसा लिया है, उनके रूप में रिप्रेजेंट किया है, और ये कहना चाहता है कि जिस तरह से कोई भी परेशानी होती है, डिफिकल्टीज होती है, चैलेंजेस आती है, और आप तब उनसे फाइट कर सकते हो, उसे आप उनके सामने आप गिरने से बच सकते हो, उससे आप जीत सकते हो जब आप स्ट्रांग हो। इफ यू आर नॉट स्ट्रांग देन यू कैन नॉट फाइट विथ चैलेंजेस डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स एंड द बैड सिचुएशंस। ओके, सो आप किसी भी बुरे वक्त से, बैड सिचुएशन से, चैलेंजेस से तब फाइट कर पाओगे, तब आप उसे जीत पाओगे जब आप स्ट्रांग हो। सो आपकी माइंड, आपकी बॉडी बिल्कुल कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए, सो दैट नो वन कैन हार्म यू। कोई आपको हार्म नहीं पहुंचा सकता है, कोई आपको हरा नहीं सकता है, कोई आपको झुका नहीं सकता है, कोई आपको गिरा नहीं सकता है। ओके, सो एक्चुअली द ही सेइंग, पोएट इज सेइंग क्लियरली दैट यू हैव टू बी। देन मैसेज जो हमारे लिए है वह क्या रहा पोएट के थ्रू, भारती ने हमें क्या बताना चाहा पोएट के थ्रू, ये बताना चाहा यू शुड बी स्ट्रांग। आपको क्या कहना चाहिए, स्ट्रांग बनना चाहिए, नहीं तो जो चीज आपके फ्रेंड्स के तरह है, जो आपके सिमिलर है, मे बी वह भी आपके एनिमी बन जाए, यानी वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड माय डियर ऑल, आई एम सेइंग क्लियरली दैट इफ यू आर फीलिंग वेरी वेल इफ विंड ब्लोइंग, यदि हवा चलती है तो आप बहुत अच्छा फील कर लेते हो, बहुत अच्छी महसूस हो जाती है, ताजी की महसूस होती है। इट्स करेक्ट एंड इट्स राइट ऑल्सो, बट यही हवा जब तेज चलती है तो किसी का घर उजड़ जाता है, किसी का कितने सारे पेड़ टूट जाते हैं, बहुत सारे नुकसान हो जाती है। और यही पोएट ने हमें बताया कि इसलिए हम कब उसमें टिक सकते हैं, उसके सामने स्टैंड कर सकते हैं, उसमें बने रह सकते हैं, उसमें कंटिन्यू रह सकते हैं, जब आप इस विंड के सामने स्ट्रांग रहते हो, यानी आप उनके बराबर में हो, देन यू कैन कंटिन्यू। अदरवाइज तो विंड क्या करेंगे, आपको झुका देंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपको हरा देंगे। ओके, सो एट लास्ट आई विल से यू ऑल हैव टू बी स्ट्रांग सो दैट यू कैन फाइट विथ विंड एंड यू कैन सर्वाइव इन थ्रू द विंड ऑल्सो। एंड जब कभी तेज हवा आई तब भी आपको डिफिकल्टीज और चैलेंजेस से आप उनसे फेस कर सको और आप उसे बोल्डली इनकाउंटर कर सके। ओके, सो वी शुड इनकाउंटर देम बोल्डली। होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जब कभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच।